नमस्कार जनप्रिय, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे कैसे मुद्दे की जो वर्षों से कब पूरा होगा, क्या सामने होगा, ये तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इसे सियासी रूप में जमकर बुनाया जाता। हम बात कर रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे की। एक बार फिर कर्नाटक के उडुपी में धर्म संसद चल रही है, जहां पहले आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत कहते हैं कि राम मंदिर अवश्य बनेगा, जरूर बनेगा, कोई ताकत रोक नहीं सकती। उसके बाद अब विश्व हिंदू परिषद ने कहा है कि राम मंदिर का निर्माण 18 नवंबर 2018 से हम शुरू कर देंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगले ही महीने प्रथम सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर के मामले को लेकर के रेगुलर हियरिंग शुरू होगी। ऐसे में सवाल उठता है कि इस तरह के बयानों का औचित्य क्या है? क्या इसे सियासी रूप में देखा जाना चाहिए, या जब भी चुनाव आते हैं तो इस तरह के मुद्दे सामने आते हैं? वजह जो भी हो, हमारे पैनलिस्ट के साथ हम मुखातिब होंगे और चर्चा करेंगे। एक बार जरा देखिए कि पूरा एजेंडा क्या है। हर चुनाव में अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मुद्दा उठता है। राम जन्मभूमि का मुद्दा संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए शुरू से ही एक अहम राजनीतिक मुद्दा रहा है। इस मुद्दे का बीजेपी को राजनीतिक रूप से खासा फायदा भी मिला है, इसे कोई नकार भी नहीं सकता। अब फिर से यह मुद्दा गर्मा रहा है। संघ प्रमुख हो या बीजेपी के आला नेता, गाय बगाहे वो राम मंदिर के निर्माण को लेकर बयान दे रहे हैं, और इसका कारण भी है, और वो है गुजरात चुनाव। उत्तर प्रदेश चुनाव में भी पार्टी ने इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। राम जन्मभूमि पर राम मंदिर ही बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, वही बनेगा, उसी प्रारूप में बनेगा, उन्हीं पत्थरों से बनेगा और उन्हीं की अगुवाई में बनेगा जो इसका झंडा उठाकर गत 20-25 वर्षों से चलते। 1992 में मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के कार्यकाल में बाबरी मस्जिद गिराई गई थी। कल्याण सिंह तो अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या में बकायदा शपथ लेकर आए थे कि वो उसी जगह मंदिर बनवाएंगे जहां रामलला पैदा हुए थे, लेकिन आज तक मंदिर नहीं बन सका। लेकिन बाबरी मस्जिद गिराए जाने के बाद जब बात राम मंदिर के निर्माण की शुरू हुई तो शायद बीजेपी अपने मतदाताओं के विश्वास पर खरी नहीं उतरी। उत्तर प्रदेश में पिछले कई साल सरकार न बनाने का कारण भी जानकार इसे ही बताते हैं। राम मंदिर का मामला सुप्रीम कोर्ट में है और कोर्ट अब 5 दिसंबर को फिर से इस फैसले पर सुनवाई शुरू करेगा, और कोर्ट का निर्णय जब भी आएगा वो ही अंतिम फैसला होगा। लेकिन बीजेपी केवल चुनावी वायदे और वोटों के ध्रुवीकरण के कारण लगातार राम मंदिर जल्द बनाने की बात कह रही है। 2019 में भी पार्टी के लिए एक अहम मुद्दा होगा, लेकिन बार बार राम मंदिर को लेकर आने वाले बयान लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ भी हैं, और आज नहीं तो कल जनता सीधे सीधे सख्त लहजे में इस चुनावी स्टंट पर सवाल जरूर पूछेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। तो चलिए, आपने देखा राम मंदिर का मुद्दा, मोहन भागवत साहब, सुब्रमण्यम स्वामी, गिरिराज सिंह, कई ऐसे नेता और धर्म संसद से जुड़े लोग हैं जो कह चुके हैं कि राम मंदिर का निर्माण होगा, अवश्य होगा, वहीं होगा। ये मामला अब से पहले राजनीतिक स्तर पर निपटाने की काफी कोशिशें की गई, समझाया भी गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोनों पक्ष आपस में बैठ करके इस मामले को निपटाएं, और ये मुझे लगता है कि न केवल राजनीतिक दलों की इच्छा शक्ति होगी, शायद इस मुल्क का हर व्यक्ति चाहता है कि राम मंदिर के मुद्दे का निपटारा होना चाहिए। चलिए, हम इसी मुद्दे को लेकर के आगे बढ़ेंगे और चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र उपाध्याय साहब, सुरेश उपाध्याय साहब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हैं, और पूनम चंद जी भंडारी साहब आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कानूनविद है। अर्चना शर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस से, आप सभी का स्वागत है। भंडारी साहब, मैं एक कानून की नजर से आपसे मैं जानना चाहूंगा कि एक डेट मुकर्रर की हुई है कि 5 दिसंबर से राम मंदिर के मामले में नियमित हियरिंग होगी, उसके बाद एक डेट तय कर दी गई जो विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त सचिव मिस्टर सुरेंद्र कुमार जैन ने
जब धर्म संसद कर्नाटक के उड़प्पी में चल रही, तो अनाउंस किया है कि 18 नवंबर 2018 से राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा। इसे क्या माना जाए? एक तरफ कानून का पक्ष है, दूसरी तरफ जो आंदोलन वर्षों से चल रहा है और जो संगठन इसमें हिस्सा ले रहे हैं, उन लोगों का सीधा एक बयान है कि हम इतनी तारीख से ये काम शुरू कर देंगे, तो किस दृष्टि से देखते हैं इसे? योगेंद्र जी, गुजरात में चुनाव चल रहे हैं इस वक्त। नहीं, मैं कानूनी पक्ष जानना चाह रहा हूँ, कानूनी पक्ष जानना। कानूनी पक्ष तो ये है कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इट अमाउंट्स टू क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में डेट फिक्स है, उस डेट से हियरिंग होगी, उससे पहले आप ये कह रहे हो कि हम इसको शुरू कर देंगे, 18 में शुरू कर देंगे, इसका मतलब या तो आपको पहले मालूम है क्या फैसला आने वाला है, वरना आप कैसे कह सकते हो? अगर आपके खिलाफ हो गए तो कैसे मंदिर में आओगे आप? और अगर आप बनाना चाहते हो, आप कहिए, हम तो हाईकोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट नहीं मानते हैं, आप 18 की भी वेट क्यों कर रहे हो? अभी शुरू कर दो ना आप ये। इसका मतलब ये है, ये मतलब मैं आप बता रहा हूँ, भाजपा वगैरह ये लोग, इनको कानून से कोई मतलब नहीं है, संविधान को ताक पर रख दिया इन लोगों ने, जो मन में आए मर्जी कर रहे हैं, ये राजनीतिक फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में इनकी हालत खराब चल रही है, तो बार बार जब भी इन्होंने देखा हालत खराब होती है, तो कोई न कोई मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा लेके आ जाएंगे, मंदिर हम बना देंगे। जयपुर में 150 मंदिर टूट गए हैं, एक मंदिर आपने बढ़ा नहीं पाई। लोग ये लोगों को दिखावा करते हैं, पोलराइजेशन करते हैं, हिंदू मुस्लिम को भड़काना चाहते हैं, कुछ नहीं है इसके अलावा, कोई ताकत नहीं हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बिना। 19 में कैसे बनाते हैं मंदिर, मैं ही जाता, ये बताया आप, आपके स्वयंसेवक संघ के सुरेश जी बैठे हुए हैं, अब ये मुझे समझा देंगे कि कानून ये, मैं कहता हूँ क्रिमिनल कंटेम्प्ट है ये। अगर सुप्रीम कोर्ट को सो मोटर्स में कॉग्निशन रहना चाहिए और उन लोगों को तुरंत तलब करना चाहिए। न्याय की गरिमा गिरा रहे हैं, प्रतिष्ठा गिर रही है, मतलब न्याय कोई वैल्यू ही नहीं है, फिर क्यों कोर्ट जाते हैं, क्यों फैसला जा करते हैं, क्यों कहते हैं न्याय का मंदिर है? जब न्यायपालिका को कहा गया है स्वतंत्र रहेगी, तो स्वतंत्र न्यायपालिका है क्या? आपको पहले फैसला मालूम है क्या? आप ये कह सकते हैं हमें संभावना है, हम जीत सकते हैं, अगर हम जीतेंगे जरूर बनाएंगे, ये तो कुछ समझ आ सकता है। नहीं, आप घोषणा में तो 18 में बना देंगे, यानी चाहे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो चाहे ना हो, या आपके खिलाफ हो, फिर भी आप मंदिर बनाओगे, सिर्फ गुमराह करने के लिए, गुजरात में लोगों को वोट प्राप्त करने के लिए ये इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना चाहिए ऐसे मामलों के अंदर। अभी जयपुर में परनाइन साहब ने कह दिया हम आंख बंद कर लेंगे, हाईकोर्ट का ऑर्डर परवाह मत करो, जो मर्जी करो। चलिए, खैर वो एक अलग विषय है, अंडरमाइन करना कोर्ट राम मंदिर पे, हम बात हमारा एजेंडा राम मंदिर कोर्ट की पत्ती से घिराने का। चलिए जी, सुरेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि हियरिंग डेट अनाउंस हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट में, इसकी हियरिंग होगी, और बाकायदा सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि दोनों पक्ष को मिलकर के बैठ करके इस मामले को निपटारा करना चाहिए, क्योंकि देखिए अपील पे अपील होती है, अगर एक पक्ष के हक में फैसला नहीं आता है तो आपको अपील करने का राइट होता है, लेकिन जब संवैधानिक पीठ का फैसला होता है तो उसके बाद आपको मानना होता है, उसके लिए बाध्यता होती है। यहां एक सवाल यह है कि 5 दिसंबर से जब डेट अनाउंस हो चुकी है कि इस पे हियरिंग होगी, उसके बीच अगर बयानबाजी हो कि और डेट भी विश्व हिंदू परिषद की ओर से अनाउंस कर दी जाए, तो ये भंडारी साहब का कहना है कि ये कोर्ट के अवमानना है। जो अभी उडुपी धर्म संसद में जो मंदिर वाले विषय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक मोहनराव जी भागवत ने कहा है कि मंदिर वहीं बनेगा, ये स्पष्ट है कि वहां मंदिर है, ये हमारा तो मानना है कि मंदिर वहां बना हुआ है, रामलला की पूजा हो रही है, भव्य मंदिर कब बनेगा वो बाकी है, मंदिर छोटा है कि बड़ा है, कच्चा है कि पक्का है, पर अगर उसकी तकनीकी व्याख्या समझे तो रामलला का वहां मंदिर बना हुआ है और मंदिर में पूजा हो रही है, विशाल और भव्य मंदिर बनने वाली बात है, उस पर जमीन को लेकर के विवाद है। यहाँ हमारे आपके जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा गुजरात का चुनाव, लगता है ये गुजरात के चुनाव 2 दिन तक ही देखने की दृष्टि रहती है। इस पे 1528 में जब मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और जब मीर बाकी ने उनके जो श्यामानंद जी के शिष्य जलाल शाह ने धोखा देकर के मंदिर निर्माण बनाने की योजना बनाई कि ये पूरे देश की आस्था का मंदिर है, अगर यहाँ मस्जिद बन जाएगी तो पूरे देश में इस्लाम का परचम फैला दिया जाएगा, फैल जाएगा, इस नियत के साथ उन्होंने वो मस्जिद बनाने के लिए मीर बाकी को उकसाया और मीर बाकी ने बाबर की अनुमति लेकर के उस मंदिर के स्थान पर मस्जिद बनाने का निर्णय किया। जैसे ही निर्णय हुआ वहां के राजा मेहताब सिंह के नेतृत्व में उसका विरोध हुआ, 1,76,000 लोगों ने बलिदान दिया और तब से लेके आज तक देवी दीन पांडे, रानी जय सिंह सिसिंडा के महाराजा, कई लोगों ने, राम भक्तों ने 76 बार युद्ध हुआ है,
लगभग 5 लाख से ज्यादा लोग उसमें शहीद हो चुके हैं। उस समय न भाजपा थी, न संविधान था, न कुछ था। इस मंदिर का निर्माण जीर्णोद्धार 100 वर्ष ईसा से 100 वर्ष पूर्व विक्रमादित्य ने करवाया था। मंदिर उस समय महाभारत काल में अयोध्या पब्लिक को समझना तो मंदिर क्या है, आपको तो गुजरात दिख रहा है। अरे आपको तो गुजरात चुनाव मंदिर को सुन लिए सुरेश जी, मेरा एक सवाल ये पूरा एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। फिलहाल यहाँ सवाल मैं आपसे जरूर मौका दूंगा, पूरे व्याख्या कर सकते हैं। यहाँ एक सवाल है कि जब सुप्रीम कोर्ट डेट मुकर्रर कर दी गई और यथास्थिति के आदेश अभी वहां पे, ये बात सही है कि रामलला का मंदिर है वहां पे, पूजा भी होती है, अभी टेंट के अंदर है और मंदिर बनने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है भी, और तो जब तक चर्चा इस पे नहीं होगी पूरी, इसका फाइनल फैसला नहीं आता है, तो तब तक वो चाहे भव्य बने, चाहे हल्का बने, चाहे छोटा बने, मंदिर निर्माण का मतलब है कि जो स्थिति है उसके साथ छेड़छाड़। तो मैं वो जानना चाह रहा हूँ कि नवंबर 2018 जी, एक साल बाद की घोषणा की गई है। हाँ। ये टेंट दी है कि उस समय से मंदिर निर्माण कार्य शुरू होगा। हाँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम अभी आज से शुरू कर रहे हैं। इस पीरियड में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि पहली प्राथमिकता यह है कि दोनों समुदाय के लोग मिलकर बैठकर इसका फैसला करें, और हमारा भी मत है और पूरे देश का ही मत है कि दोनों समुदाय अगर राजी होकर इसका फैसला करते हैं तो वो उसमें से बढ़िया फैसला कुछ नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा, किसको मंजूर होगा किसको नहीं होगा, और सुप्रीम कोर्ट के आज जो भी निर्णय होते हैं वह सामाजिक पृष्ठभूमि में देख करके किस तरीके होते हैं, हिंदुओं को स्वीकार होगा कि मुसलमानों को स्वीकार नहीं होगा, सुन लीजिए आपके पास उस, तो सबका ये मानना है और सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है कि अगर दोनों समुदाय मिलकर बैठते हैं तो इसका बहुत स्थायी और सुंदर फैसला होगा। तो इसमें से 18 नवंबर जो डेट दी है, 1528 से चलने वाला संघर्ष कभी तो बंद होगा, इतने संघर्ष के बाद उनका एक साल का समय और है, दोनों समुदाय मिलकर बैठ के करें, 18 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट भी अपना निर्णय करे। उन्होंने को ये तो नहीं कहा कि हम बगैर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने डेट दी है ना, बढ़ा दी। सुप्रीम कोर्ट में केस कब से पेंडिंग चल रहा है, हजारों साल से, मतलब सैकड़ों साल से केस चलता आ रहा है, कोर्ट में चला हुआ है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितने साल तक ये केस पेंडिंग रहा, सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4-5 साल से पेंडिंग है, उसका फैसला नहीं हो रहा। तो इसमें से कहा है कि जल्दी फैसला करिए, सुप्रीम कोर्ट की मान्यता सभी माने, हम भी मानेंगे, ये भी मानेंगे, मानना चाहिए, लेकिन ये तय है, भंडारी साहब ये बहुत स्पष्ट सुन लीजिए, वहां रामलला का मंदिर है, वहां मंदिर बनेगा, मस्जिद वहां बन नहीं सकती, ये तय है। तो जल्दी करिए जो भी करना है, और मुस्लिम समाज का अधिकतम वर्ग ये चाहता है कि वहां मंदिर बने, तथाकथित मुसलमान और जो रोजी रोटी सेकने वाले जो सेकुलर पार्टी के नेता हैं वो इस मंदिर को नहीं बनने दे रहे क्योंकि उनको मुसलमानों को वोट चाहिए। आज हिंदुस्तान का आम पब्लिक, चाहे शिया हो चाहे सुन्नी हो चाहे कोई भी हो, आम पब्लिक चाहती है वो मंदिर बनना चाहिए। मैं मंदिर आंदोलन से जब से चला है तब से जुड़ा हुआ हूं, इस मंदिर आंदोलन के लिए मुसलमानों ने सहयोग किया है कि जाइए मंदिर बना दीजिए, इस विषय को खत्म करिए, लेकिन जो उसके जो लीडर्स हैं, जो सेकुलर नेता हैं, अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए मुसलमान कहीं एक डरा करके रखना, इसलिए उस मंदिर का बनने का विरोध करते हैं। ना आम मुसलमान विरोध कर रहा है, ना हिंदू तो चाहता ही है। ये यहाँ जो बैठे हुए हमारे भंडारी जैसे लोग जो आप पार्टी के आए हुए हैं, गुजरात का चुनाव दिख रहा है, विक्रमादित्य क्यों कहा सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया नहीं, आपके 18 नवंबर आप एक बात समझ लीजिए, आप सुप्रीम कोर्ट भी तय है कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, क्या फैसला कर दिया, फैसला कि रामलला को जमीन दी है सुप्रीम कोर्ट। अभी आप कैसे कर दोगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करेगा, अभी आप कैसे घोषणा कर दोगे आप? अरे सुप्रीम कोर्ट जब फैसला करेगा अभी तो 5 दिसंबर से सुनेगा, ये 18 नवंबर डेट दी है, आप डेट कैसे दी, वही कह रहा हूँ मैं, तब तक चुप बैठे रहेंगे, आप सुप्रीम कोर्ट फैसला करेंगे, 1528 से बैठे हैं आपकी सुप्रीम कोर्ट फैसला, अरे साहब 1528 से बैठे हैं, कल की राजनीति में आप आए, मैं राजनीति आया हूँ, कभी आया हूँ छोड़ा कर आया हूँ, मैं एक बात जानना चाहूंगा, लेकिन अक्सर ये आरोप लगते हैं कि जब चुनाव होते हैं तो राम मंदिर का मुद्दा बाहर आता है और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद, बिल्कुल नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। इस देश में 5 साल तक चुनाव चलते हैं, लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, उत्तर प्रदेश राजस्थान का चुनाव, तो 5 साल तक जब चुनाव चलेंगे तो मंदिर का मुद्दा कभी उठेगा ही नहीं, मतलब किसी स्टेट में चुनाव करते हो उससे पहले करते हैं ना, भंडारी साहब
वकील साहब हैं, वकील हैं, थोड़ी उसे टेक्निकल ढंग से बात करें, पांच साल तक चुनाव चलते हैं, एक वर्ष बता दीजिए जिस दिन जिस समय देश में चुनाव नहीं होता है, 2014 में लोकसभा, 15 में विधानसभा, 16 में विधानसभा, 17 में विधानसभा, 18 में विधानसभा, 19 में लोकसभा, लगातार चुनाव हो रहे हैं, हर साल चुनाव होगा, हर सत्य के चुनाव के जवाब भी दे देना। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्रतिपक्ष की पार्टियां जो गैर भाजपाई हैं, आप कहिए मंदिर का विरोध करते हैं, विरोध करिए आप लोग, तो आप ये बताइए कि ये बात निकल करके आती है कि एक राजनीतिक आरोप अलग बात है। अब जैसे सुरेश जी ने कहा कि चुनाव तो 12 महीने चलते हैं यहाँ पे, किसी न किसी राज्य में हर साल चुनाव होता ही है यहाँ पे, क्यों लगता है ऐसा कि जब चुनाव आते हैं तभी बीजेपी को, आरएसएस को या वीएचपी को राम मंदिर की याद आती है, ऐसा क्यों लगता है आप लोगों को? मैं इसे लगता है, अभी गुजरात चुनाव होने वाले हैं और गुजरात के चुनाव का रिजल्ट कब आएगा? 18 दिसंबर का आएगा। अब 19 दिसंबर की बात कह सकते थे, और अभी के भी कहने का मतलब हुआ चुनाव से पहले चुनाव आपको बताने नहीं, तो आप 18 दिसंबर के बाद ये बात कहते ना, कौन रोक रहा था आपको? ये चुनाव के पहले आप लोग नहीं, जब जब अरे हमारे से पूछिए कि आपको बनाना होता 92 में आपको बन चुका था मंदिर, ये बेकार के लोगों को गुमराह मत करो, जब 150 मंदिर टूटे वो तो बने नहीं आपसे, हमारे जगह मंदिर बनाएंगे, और कभी बार बार घोषणा करते हैं मंदिर वही बनाएंगे, राम के संग खाते हैं, अब आप कह रहे हो मंदिर बना हुआ है वहाँ पर, हम भव्य बनाएंगे। भंडारी साहब देखिए प्रमाण मत करिए, जयपुर भ्रमित आप करते हो, जयपुर देश में मंदिर टूटे, देश में मंदिर टूटे, आप बोलेंगे अभी? सुनिए सुनिए, मंदिर वाला चुनाव के टाइम आपको राम मंदिर, चुनाव टाइम पद्मावती, चुनाव टाइम सारी बातें याद आती है, जयपुर का भी चुनाव के टाइम हिंदू मुस्लिम, चुनाव के टाइम सारे बहुत गोदा, ये सब चुनाव टाइम आते हैं, चुनाव का भी आप बोल रहे हो, आप गुमराह कर रहे हो लोगों को, भंडारा तो आप लोग कर रहे हो। भंडारा साहब मेरा जो सवाल है वो ये है, सुप्रीम कोर्ट में बहस होनी है और पहले के 18 नवंबर बना देंगे, ये कंटेंप्ट ऑफ कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट चाहिए, ये कौन नहीं ले इसके अंदर, आप कैसे डिक्लेयर करते हैं कि 18 नवंबर को, ये तो आप कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट जैसे हमारी बात हो गई है, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। मैं आ रहा हूँ, आप वापस आऊंगा, न्यायालय क्या चाहते नहीं आप? एक बार सुनिए, अब मैं वापस आ, सुरेश जी एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा कि बहुत सारे ऐसे इश्यू हैं जिसके ऊपर अगर बात की जाती है तो वीएचपी हो चाहे आरएसएस हो चाहे बीजेपी हो या दूसरी पार्टियां हो या आम आदमी हो, ये कहा जाता है कि सब जुडिशियल मामला, इस पे कहना ठीक नहीं है, अभी विचाराधीन है अदालत में, जब ये मामला पूरा होगा तो उसके बाद में कुछ कह पाएंगे डिसीजन। नहीं मैं एक बात, लेकिन ये मामला ऐसा है कि जिसके अंदर ये बात ठीक है, आए दिन ये बात कही जा रही है कि राम मंदिर वहीं बनेगा, मंदिर वहां बना हुआ है, अभी रामलला की मूर्ति वहां स्थापित है, पूजा हो रही है, बात सही है आपकी, लेकिन जिस पोजिशन में भी है, टेंट के अंदर मंदिर हो यहां, लेकिन सवाल ये आता है कि डेट को लेकर के कि 18 नवंबर ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है कि अगर एक साल तक फैसला नहीं आया तो क्या माना जाए इसको कि ये तो तय है कि 18 नवंबर से काम शुरू होगा वहां? देखिए उस ओडीपी की संसद में कुछ हमारे वरिष्ठ अधिकारी लोग बैठे हैं, वहां सब निर्णय हुआ है, 18 नवंबर की जो डेट तय की है, हाँ। मैं उसका जो अनुमान लगाता हूं, मेरा जो संगठन के वर्षों से काम करने के बाद 18 नवंबर की डेट एक तरह से वर्ष भर का समय हम दे रहे हैं, और इसमें कोर्ट और समाज दोनों मिलकर किसके फैसला कर लें, इसके पीछे इसका भावार्थ इतना ही है, हम 18 नवंबर को सारी दुनिया में आपके पास सहमत को उम्मीद आ जाएगा, बिल्कुल कि अक्सर मन मुताबिक अगर कोई बात होती है जिस बयान से बचना चाहते हैं उसमें तो ये कहा जाता है कि सब जुडिस है मामला, अभी विचाराधीन है, लंबित है, इससे बोलना उचित नहीं है। यह मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहले से तय कर चुका है कि 5 दिसंबर से रेगुलरली इसकी हियरिंग डेट अनाउंस कर चुका है, उसके बाद 18 नवंबर 2018 को अगर कहना तो इसका मतलब है कि तय किया हुआ है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी पेंडेंसी है, वो मामला अगर 18 नवंबर तक नहीं निपट पाता है तो क्या ये स्टैंड कायम रहेगा कि बिल्कुल हम लोग वहां मंदिर बनाएंगे? ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट रात को 12 बजे एक आतंकवादी की फांसी के लिए सुन सकता है जी। तो सुप्रीम कोर्ट को ये कहा निवेदन है, धर्म संसद में, संसद में साधे साधु संत बैठे हैं, उनकी ये घोषणा है, विश्व हिंदू परिषद की घोषणा नहीं है, उन्होंने प्रवक्ता के रूप में सुरेंद्र कुमार जैन ने विषय रखा है, ये धर्म संसद में उन्होंने घोषणा की है, तो साधु संत कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं, सब कह रहे हैं 18 नवंबर तक मंदिर बनने की शुरुआत हो जाए, ऐसा करिए आप, ये उन्होंने घोषणा दी है। रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट एक आतंकवादी की फांसी के लिए खुल सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट सारी पेंडेंसी को निपटा दिए, इसको प्राथमिकता आपको मौका दूंगा, फिर वो बहस जो वास्तव में लॉजिकली हमारी बात आनी चाहिए वो नहीं आ पाती। आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जब एक टेररिस्ट की
याचिका पे अगर सुनवाई रात को कर सकता है तो इसमें भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट कब डिनाई कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने तो 5 दिसंबर से डेट ही मुकर्रर कर दी है और वो तो बहुत लंबे समय से कह रहे हैं तो कि सुप्रीम कोर्ट इस नहीं की तो टिप्पणी है, कि जब डेट तय कर चुका है सुप्रीम कोर्ट हियरिंग की, तो उसके बाद अगर तय किया जाए कि हम तो इस तारीख से निर्माण शुरू कर देंगे, वो थोड़ा सा इस ओर ले जाता है कि बिल्कुल तय कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट की जो हियरिंग है वो एक अलग बात है। मैं वापस आप लोगों के पास में आऊंगा। अर्चना जी हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं और अर्चना जी, ये पूरा जो मामला है, कांग्रेस में आपके नेता आरोप लगा रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तभी बीजेपी को यह मुद्दा याद आता है, ये धर्म संसद का मामला है, बीजेपी के किसी नेता ने अभी तक ये बात नहीं कही है। और दूसरा, मैं आपको एक खाली कुर्सी जो दिखा रहा हूं, बीजेपी इस मुद्दे पर बोलने से बच रही है। साफ कहा है बीजेपी नेताओं ने कि ये मामला अदालत का भी है, थोड़ा सा डिफरेंट है, हम इस पे क्या बोलें। तो कुर्सी खाली है, बीजेपी के किसी नेता का इंतजार है, अगर हो सकेगा तो वो आ सकते हैं, उनके लिए हमने कुर्सी छोड़ी हुई है एक, लेकिन फिलहाल इस मुद्दे से जवाब देने से पूरी तरह से बच रहे हैं। जी अर्चना जी, देखिये योगेंद्र जी, इससे हिपोक्रेसी सामने आती है, क्योंकि बात भी सही है कि जब भी चुनावी वर्ष होता है या यूं कह दीजिए कि हिंदी बेल्ट में जब इलेक्शंस होते हैं तो ये मुद्दा जो गर्मा जाता है, लेकिन इसमें भी सच्चाई है कि जब योगी आदित्यनाथ जी सीएम बने उत्तर प्रदेश के, तो ये वही व्यक्ति थे जो राम मंदिर को लेकर के पूरा पोलराइजेशन करते थे। लेकिन होता है ना कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आने के बाद आपको कानून समझ में आ जाता है, तो उनकी प्रथम प्रतिक्रिया ये थी कि क्योंकि ये मामला न्यायालय में लंबे थे तो न्यायालय के निर्णय के अनुसार इस पर काम होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि धर्म संसद आयोजित की गई और वहां विभिन्न प्रकार के मंतव्य सामने आए, किसी प्रवक्ता ने कहा कि 18 नवंबर तक ये बन जाना चाहिए, और यहां तक भी व्यक्त कर दिया गया भावना कि अगर हमने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री तक हिंदू बनाए हैं तो फिर हमने उनको जो मत दिया वो बेकार है, राम मंदिर का निर्माण नहीं। तो मुझे लगता है कि ये जो सारी संस्थाएं भारतीय जनता पार्टी के से एफिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये जब जब इस तरह के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, ऐसे उद्गार व्यक्त होते हैं, तो निश्चित रूप से चुनाव को प्रभावित करने की प्रक्रिया के तहत इसे देखा जाता है। आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन दिवस के अवसर पर पहले तो वित्त मंत्री ने कानून दिवस के अवसर पर, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने कल कहा कि न्यायपालिका अपने दायरे में रहे और हस्तक्षेप न करे। तो ऐसे में ये सुविधा की राजनीति की बात हो गई कि जब आपके बस की बात नहीं हो तब तो न्यायालय पर छोड़ दिया जाए सब जुडिस है मामला, और जब आपको उसी के माध्यम से वोट अर्जित करने हो तो फिर इसे राजनीतिक स्वरूप भी दिया जाता है। तो ये हिपोक्रेसी है, और मुझे लगता है कि किसी भी डिबेट से परहेज करना गलत है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। यदि आप शासन चला रहे हैं तो आप ज्यादा जवाबदेही के साथ हर प्रश्न के उत्तर के साथ उनको आना चाहिए। अभी जब अशोक परनामी जी का एक मुद्दा आया तब भी भारतीय जनता पार्टी ने अनेक चैनल्स पे दूरी बना के रखी, तो ये दूरी बनाना इस बात का गवाह है कि कहीं ना कहीं। अर्चना जी, एक सवाल के जवाब में सुरेश जी ने कहा जो लॉजिकली काफी हद तक मुझे ठीक लगता है कि इस देश में हर साल कोई ना कोई चुनाव होता है, और धर्म संसद जैसे कि कह रहे हैं कि हमारी डेट रहती है कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इतने समय बाद में धर्म संसद होती है, तो क्या अगर आज ये अनाउंस नहीं होता है या चर्चा नहीं करते हैं 2018 के अंदर फिर चार राज्यों में चुनाव होंगे, उसके बाद 2019 के आम चुनाव होंगे, तो यहाँ तो हर वर्ष कोई ना कोई चुनाव होना है, तो आदमी बात अपनी कब करेगा? देखिए योगेंद्र जी, आपकी बात तो सही कि चुनाव तो हर समय चलते हैं, लेकिन चुनावों की इम्पोर्टेंस को भी देखिए आप। इस समय गुजरात में चुनाव है, गुजरात से प्रधानमंत्री आते हैं, उनके लिए वहां प्रतिष्ठा का प्रश्न बना हुआ है। तो ऐसे समय में दो चीजें हो सकती है, एक तो जितने हिंदुवादी संगठन है उनको ये महसूस होता होगा कि 3.5 वर्षों का कार्यकाल बीतने के बाद भी इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है, जो कि एक बड़ा एजेंडा भारतीय जनता पार्टी का रहा हमेशा। और आप देखिए आडवाणी जी से जब प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने तो बिल्कुल मौन साध लिया, यानी उनके पास भी कोई उत्तर नहीं, जो इस चीज को लेकर के सबसे बड़ी मुहिम चलाते थे। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि जितने भी ये संगठन ये महसूस करते हैं कि यदि आज ये अवसर नहीं आए तो फिर कभी नहीं आएगा, तो दोनों एप्रिहेंशन उनके हैं। लेकिन भारत की जनता इस चीज को महसूस करती है कि जब आप सत्ता में होते हैं तब आपका जो रवैया होता है पूरी तरह से डिफरेंट होता है, और जब आप सत्ता से बाहर होते हैं, जिसका उदाहरण मैंने आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में आपको दिया कि किस प्रकार से उन्होंने ताजमहल के प्रकरण को लेकर के किस तरह से सफाई दी और वहां जाकर के जिस प्रकार से अपना बयान दिया, और उसके बाद राम मंदिर को लेकर के भी उन्होंने सब जुडिस होने की बात कही। मुझे लगता है कि ये सारी जो कवायद एक पैरेलल सिस्टम चलता है जो इस बात को पैसिफाई करने का प्रयास करता है कि जो हमारी आइडियोलॉजी है वो तो अक्षुण्ण है, लेकिन हम उसके प्रति कितने गंभीर है उसको लेकर प्रश्न भी दागे जाते हैं और उसको जीवित रखने का भी एक प्रयास चलता रहता है। जी मैं क्या योगेंद्र जी बताइए, मैं कह रहा हूँ इनको डेट डिक्लेयर करने जरूरत क्या थी, नवंबर बना लेते करके, अभी चुनाव के जस्ट पहले 18 दिसंबर बात घोषित करते, 18 दिसंबर चुनाव रिजल्ट आ जाएंगे उसके बाद कहते बढ़ाएंगे। और मैं सुप्रीम कोर्ट का अवमानना कर रहे हो क्या आप,
सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया नहीं, सुनाई हुई नहीं और आपको 18 बना लेंगे, तो या तो आपने सुप्रीम कोर्ट सेटिंग कर ली है। तो मैं कह रहा हूँ इस प्रकार की बातें करना चुनावी लाभ लेने के लिए किया गया, वरना जरूरत क्या पड़ी है? आप जब आपका टाइम आएगा बना लो, आप कौन रोक रहा आपको? अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में रहेगा कौन रोकेगा आपको, मुझे बताइए? हिंदुस्तान के अंदर कोई रोक सकता है कि आपको? इन सवाल ये बनाने थोड़ी इनको 92 से लेकर आज तक बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ा, सरकारें आगे चले गई इनकी, हर बार आती है, हर बार मुद्दा उठाते हैं, कब उठाएंगे? चुनाव से पहले। ये सही बात है, चले मैं बात सहमत हूँ, पहले कहते हैं उठाएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे इस मुद्दे, छोटे से ब्रेक के लिए। हमारी वो जिम्मेदारी है जो दायित्व हमारे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर और हम बात कर रहे हैं राम मंदिर के मुद्दे से जुड़े बयानबाजी पर। राम मंदिर का मुद्दा एक बार फिर गर्म मुद्दा कहा जा सकता है, वैसे तो मुझे लगता है कभी ठंडा हुआ ही नहीं है मामला। धर्म संसद कर्नाटक के उडुपी में जो चल रही है उसमें डेट अनाउंस कर दी गई है कि 18 नवंबर 2018 से हम काम शुरू कर देंगे वहां पे, ये धर्म संसद में तय किया गया है। दूसरा 5 दिसंबर से ये शुरू होगा, सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू होगी, उसके बाद क्या स्थितियां बनती हैं। लेकिन वीएचपी के अकेले की बात नहीं कह सकते, धर्म संसद में आरएसएस, वीएचपी, मजबूर संघ, बहुत सारे लोग होते हैं जो बैठ करके, उस साधु संत भी होते हैं वहां पे, वो तय करते हैं। एक बात और मैं जानना चाहूंगा आप सुरेश जी, एक बात और निकल के आई है वहां पे, गोविंद देव गिरी धर्म संसद में उन्होंने कहा कि मोबाइल से ज्यादा बेहतर है कि इस वक्त हर हिंदू को हाथ में वेपन लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि आए दिन हमारे मंदिर टूट रहे हैं, हमले हो रहे हैं, लेकिन उनकी किसी तरह से हम मोबाइल नहीं बचाएगा, उसको हथियार ही बता सकते हैं। देखिए ऐसा क्यों लग रहा है कि ऐसे हालात हिंदुस्तान में दिख रहे हैं जो बिल्कुल अब वेपन से ही दूर हो सकते हैं, कि कानून व्यवस्था में विश्वास नहीं है? उन्होंने महंत जी ने किस संदर्भ में बात कही है वो मुझे पूरी ध्यान नहीं है, इसलिए उस पर कोई स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त करना उचित नहीं है। वो आगे क्या बोला है, पीछे क्या बोला है, आगे पीछे के संदर्भ के बगैर किसी एक लाइन के ऊपर टिप्पणी करना मेरे हिसाब से उचित नहीं है। किस संदर्भ में उन्होंने कहा, किस भावार्थ से कहा है, इसलिए इतने शॉर्ट टिप्पणी। उन्होंने साफ कहा है कि मंदिर टूट रहे हैं, मोबाइल फोन आप हाथ में रखते हैं उससे बेहतर है कि वेपन लेना चाहिए। उनका पीछे भाव यही है कि हिंदू समाज को ताकतवर तो होना ही पड़ेगा, नहीं ताकतवर होना पड़ेगा तो देश जिस तरह हमारा 84 लाख वर्ग किलोमीटर से घट करके 32 लाख रह गया है और आगे 32 का 16 रहेगा, 8 रहेगा, ये इसी में से निकला। और उस वक्त धर्म संसद में एक प्रस्ताव और भी हुआ है जिसको आप जिक्र करेंगे ही कि हिंदू समाज को जब तक कॉमन सिविल कोड लागू नहीं होता है तब तक 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, कंडीशन के साथ जोड़ा है कि अगर इसी तरह मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती रही तो जहां जहां मुस्लिम जनसंख्या बढ़ रही है वो देश। एक बात जानना चाहूंगा सुरेश जी, आपके हिसाब से जो बिल हमारे यहाँ पे स्टैंड कर रहा है अभी कि 2 बच्चों के बाद में संतान वाला जो मामला है जनप्रतिनिधि कानून में, उसे खारिज करना चाहिए एक बार के लिए। कॉमन सिविल कोड अगर 10 बच्चे सबको पैदा करना, सबको छूट रहनी चाहिए, 2 बच्चे पैदा करना तो हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को, जिसलिए सिवन। लेकिन जो हमारा जो कानून है जनप्रतिनिधि कानून है उसमें तो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो चाहे पारसी हो चाहे सिख हो सबके लिए बराबर है, उसमें 2 बच्चों के लिए लागू नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कहता है कि हमको बच्चे पैदा करने का अधिकार है। नहीं नहीं आप सरपंच सरपंच वगैरह में तो सब जगह लागू है, किसने कहा कि मुस्लिमों पे लागू नहीं है? वो मुसलमान नहीं मानता उसको, नहीं मानो मत, उसको खारिज तो किया जाता है, उसका चुनाव निरस्त किया जाता है। नहीं मानता तो हिंदू को भी कह रहे हैं आप भी 4 बच्चे पैदा करिए, क्या गलत कह रहे हैं? किसी आपको पहले क्या गलत? आपने 2 बातें बोली है सर, आपने कहा कि जब तक हमारे यहाँ पे सिविल कॉमन कोड लागू नहीं हो जब तक मैं वो भी बात करना चाह रहा हूँ, क्लियर कर दूं, क्लियर कर दूं। जी जी बताइए, सिविल कॉमन वोड से मतलब है कि हिंदुस्तान की एक सबसे बड़ी समस्या है जिसके कारण सही समस्या पैदा हुई है, बढ़ती हुई जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण होना ही चाहिए, लेकिन बढ़ती हुई जनसंख्या का नियंत्रण अगर इस तरीके से होगा, अनबैलेंस होगा, उस संदर्भ में कहा गया है। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण पे भी कॉमन सिविल कोड बनना चाहिए, वो दोनों के ऊपर लागू, ये उसका मेरा कहने का। देखिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा सर, ये इच्छा है किसी के भी, वो रूल्स हमारे जो संवैधानिक तरीके से संवैधानिक दायरे में जो जनप्रतिनिधि कानून हो या फिर हमारे रूल्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके अंदर साफ लिखा हुआ है कि आपका प्रमोशन है, एक कैटेगरी जो दिया हुआ चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, अगर उस लिमिट को कोई क्रॉस करता है तो उस पर लागू होता है। ये अब हो चाहे 10 बच्चे हैं चाहे 15, उनका खामियाजा भी तो उन्हीं को उठाना पड़ रहा है। मेरी बात सुनिए सर एक बार। दूसरा मुझे लगता है कि आज हिंदुस्तान
कि सबसे बड़ी ताकत हमारी यूथ है, हमारा युवा जो हिंदुस्तान है, दुनिया के मुल्क इस बात को मानते हैं। उनके हक में लगता है आपको कि उन्हें ताकतवर बनाने के लिए रोजगार की आवश्यकता है बजाय मोबाइल की जगह वेपन देने की? नहीं, मैंने फिर कहा, पहले भी कहा है कि उनके संदर्भ में कहा है, संदर्भ साफ है सर, उन्होंने साफ कहा है आप ही के वहां से। नहीं, मैंने वो संदर्भ पढ़ा नहीं है, न देख सुना है, न उसके बारे में मुझे जानकारी है, इसलिए इस संदर्भ में पूरी टिप्पणी करना मेरे ख्याल से न्याय संगत नहीं है। मैं नहीं कर सकता टिप्पणी, जहां तक उसका भावार्थ है कि हिंदू समाज को मजबूत और ताकतवर होकर खड़ा होना है, उसके पीछे भावार्थ इतना मुझे समझ में आता है। क्योंकि भंडारी साहब का जो सवाल था वो यही था, मैंने इसे अपनी तरफ से आपको आगे बढ़ाया है। इनका जो आरोप था वो यही था कि एक तरफ धर्म संसद में कहा जाता है कि मंदिरों को जो लोग तोड़ रहे हैं वो देश के दुश्मन हैं, हथियार उठाइए, लेकिन दूसरी तरफ जो भंडारी साहब का आरोप था कि जयपुर में जो मंदिर तोड़ दिए गए उस वक्त सड़क पे करके और सब लोग सवाल ये था इनका, उसका उत्तर मैं उत्तर देता हूँ जी। जयपुर में जो मंदिर तोड़े गए उस पूरे आंदोलन से मैं व्यक्ति से जुड़ा हुआ हूँ पहले दिन से जी। मेट्रो आने के बाद विकास के नाम से जो मंदिर हटाए गए वो सारे मंदिर उचित स्थान पर स्थापित किए गए, कुछ मंदिर टूटे। प्रारंभ में सुन लीजिए, प्रारंभ में मंदिरों की सम्मानजनक तरीके से शिफ्ट नहीं किया, उसके कारण से विरोध हुआ। और एक प्रतीक जो सबसे पुराना मंदिर था रोजगारेश्वर का मंदिर, वो वहीं बढ़ रहा है, उसका 29 तारीख परसों से काम शुरू हो जाएगा, शिलान्यास उसका प्राण प्रतिष्ठा एक साल पहले हो चुकी है और रोजगारेश्वर का मंदिर उसी स्थान पर बढ़ रहा है। जितने मंदिर टूटे हैं वो सारे मंदिर उचित स्थान पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। शुरू में विरोध यह था, आंदोलन यह था कि मंदिरों को जिस तरीके से हटाया गया, जिस उसका विरोध था, उन्होंने मान लिया मंदिर शिफ्ट किए। जब भी कहीं विकास होगा तो आज दुनिया की कोई भी ताकत देख लीजिए, मस्जिद भी हटी है, सऊदी में बड़ी बड़ी मस्जिद हटी है। कांग्रेस के टाइम में अगर एक ईंट हटा लेते आप हंगामा कर रहे थे जाकर के। चले वो एक मंदिर कौन से बन गया बताओ मुझे, भंडारी साहब कूल डाउन झूठ बोला करके यहां पर। चले एक मंदिर अब कौन से बना दिए तो सर, ये आप भंडारी साहब एक बार सुनिए आप, क्योंकि बहुत साइलेंट की बात कर रहे हैं हमारे। एक बात क्या आंदोलन किया आपने सर, 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 तो? भंडारी साहब आपको मौका दूंगा मैं एक बात जानना चाहता हूं। सुरेश जी एक बहुत अच्छी बात कही है, मेरे दिल की बात आपने कही है और ये बात होनी भी चाहिए। मुझे लगता है कि हमेशा के लिए इसे ताकीद कर देना चाहिए कि विकास के नाम पे मंदिर हो, मस्जिद हो, धर्म स्थल हो, कोई हो, उसको हटा देना की अगर आवश्यकता पड़े तो हट जाने चाहिए। मुझे लगता है कि भविष्य में भी ये हमारी परंपरा कायम रहनी चाहिए, इससे सहमत है? देखिए मैं बहुत स्पष्टता के साथ बहुत मजबूती के साथ कह रहा हूँ जी जी, ये जयपुर के आंदोलन के समय जब मंदिरों को हटाया जा रहा था, आज भी प्रामाणिक रूप से मैं नाम बता सकता हूँ, जगह बता सकता हूँ। मैं सर ये निवेदन नहीं कर रहा, मेरा छोटा सा सिंपल सा सवाल है सर, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ मैं। बस विकास के नाम पे अगर कोई भी विकास के नाम पे कोई भी धर्म स्थल अगर आते हैं, वास्तव में अगर विकास को हमें आगे बढ़ाना है तो उसे हटा देना चाहिए। मेरा फिर वही कहना जी, इस बात को एकदम लेफ्ट और राइट करके नहीं कर सकते। विकास नहीं, मैं तो सर ये बात सुन लिए, विकास के लिए वो आवश्यक है तो मंदिर बिल्कुल हटना चाहिए, मस्जिद हटना चाहिए जी। इसका एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको अपने भारत सरकार के नियम का देता हूं जो बरसों से बना हुआ है। वन भूमि हमारे देश में कम से कम होती जा रही है और वन भूमि की क्लियरेंस भारत सरकार से होती है, मैं स्वयं उस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, उसकी रेट है 9 लाख पर हेक्टेयर कीमत रखी है जो कि जरूरत से ज्यादा है। जब तो वो फॉरेस्ट ये कहता है राष्ट्रपति से मंजूरी मिलती है, अगर अति आवश्यक है इसके बगैर काम नहीं चलता है तो ही वन भूमि एक्वायर की जाए, अधिकृत की जाए। मंदिर के बारे में भी यही है, किसी भी धर्म स्थल के बारे में यही है, ये बिल्कुल है कि इसके बगैर काम नहीं चलता तो करना चाहिए। एक छोटा सा सवाल है इससे जुड़ा सर, इससे जुड़ा हुआ छोटा सा, ये तय कौन करेगा कि आवश्यक है? अगर मान लो उसी मंदिर के पास से कभी कहा जाएगा कि स्लिप लेन निकाली जा सकती है, मंदिर को बचाया जाना चाहिए, फिर ऐसे भी तो चीजें सामने आती हैं। ऐसा नहीं, जैसे ये मेट्रो वाली बात बताता हूँ, मेट्रो वाली दाएं बाएं मुड़ नहीं सकती, सीधी आ रही थी और उसमें जो भी हटाना था वही मंदिर हटे, दूसरे मंदिर नहीं हटे। रोजगारेश्वर का मंदिर बीच में था, उसके लिए मेट्रो से बात की, आंदोलन चला, आंदोलन के बाद में से उसी जगह पे मंदिर बना और उसमें आवागमन में कोई व्यवस्था नहीं, वो सारी उसमें मंदिर का स्वरूप छोटा करना, ये करना, ये सब मिलकर किया है। यूनुस खान ने अपने मंदिर वहां से मंत्रालय में अपने बिल्डिंग में निकाल के बाहर पटक दिया मंदिर को। आप बोले कुछ? किसने? यूनुस खान जो आपके मंत्री हैं, उन्होंने अपने घर के अंदर से मंदिर था शिवजी का मंदिर, उसको हटा के बाहर रख दिया उन्होंने। अब ये तो बीजेपी व्यक्तिगत बात कर रहे हैं आप, जवान चुप रहती है। मैं अर्चना जी के एक विषय का थोड़ा सा पूछना चाहूंगा सम्मान के साथ, इन्होंने भी राजनीति के आसपास इस पूरे मंदिर विवाद को घेरा। मैं अर्चना जी को थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूँ, जब राम जन्मभूमि का आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के नेतृत्व साधु संतों ने चालू किया, उससे पहले जो आंदोलन था कांग्रेस के मंत्री थे उत्तर प्रदेश में दाऊदयाल जी खन्ना,
ये आंदोलन उन्होंने चलाया और राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने सबसे ज्यादा आंदोलन किया, त्यागपत्र दिया। राजीव गांधी के प्रधानमंत्री के समय रामलला के ताले खोले गए। कांग्रेस आज बैकफुट पर क्यों आ रही है? रामलला का मंदिर सुनिए, लेकिन जैसे ही राजीव गांधी ने मंदिर खोला तो राजनीति, वोट की राजनीति इतनी हावी हुई कि तुरंत उसके बाद साहबानों में संविधान संशोधन करना पड़ा एक संप्रदाय को तुष्टिकरण करने के लिए। हम इस तुष्टिकरण के खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो कश्मीर राम मंदिर वही है, कश्मीर सरकार बनाई महत्व नहीं बोले। सर मैं आ रहा हूँ आपके पास में आऊंगा क्योंकि मुद्दा फिर बहुत ज्यादा चीजें चली जाएंगी। जी भंडारी जी तो पूरे विश्व में घूम रहे हैं, पता नहीं क्या ये कश्मीर में क्या हुआ क्यों? सर मैं आऊंगा भंडारी साहब, आपको मौका दूंगा। मैं दो मिनट एक्स्ट्रा दूंगा आपको सर, दो मिनट एक्स्ट्रा दूंगा करके आया करें मीटिंग में। चलिए बोलिए। आप कहने वाली थी कि जी ना तो भगवा रंग पर ना राम मंदिर पर भारतीय जनता पार्टी, आप घोषणा करिए कि हम राम मंदिर नहीं है। चलिए खुद ही कहने वाली। देखिए वास्तविकता ये है कि हम जिस देश में रह रहे हैं स्वतंत्रता के बाद, हमने कुछ मूल्यों को आत्मसात किया है, संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और उस प्रक्रिया के तहत जो होना चाहिए उसके हम पक्षधर हैं। क्योंकि सरकारों को चलाने के लिए यदि कोई मार्गदर्शक ही नहीं होगा या एक मार्गदर्शक के रूप में पुस्तक नहीं होगी जिसके संरक्षक न्यायपालिका है, तो मुझे लगता है कोई भी देश किसी प्रकार की प्रगति नहीं कर सकता। हमारे साथ जो समकक्ष देश आजाद हुए थे उनकी सबसे बड़ी विडंबना ये रही कि उनके पास कोई संविधान नहीं था, और था भी तो उसका कोई सम्मान वहां पर नहीं हुआ। थाईलैंड में देख लीजिए, अपनी सुविधा के अनुसार संविधान को लेते हैं और खिड़की के बाहर फेंक देते हैं और अपदस्थ कर देते हैं सरकारों को। तो ऐसे में हमारे पास एक बहुत ही जो हम चूंकि पूरा एक धार्मिक देश है, हम सेक्युलर है होने को, तो लेकिन हमारे यहाँ जो रिलीजियोसिटी है वो एक केंद्र बिंदु में है और उसके आधार पर किसी कोई आपत्ति भी नहीं, कोई किसी भी धर्म को प्रोफेस करे किसी भी हिसाब से चले। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी जी ने रामलला के ताले खुलवाए थे, इसमें भी कोई हम कोई आपत्ति नहीं है, ना किसी कोई इसको क्रिटिसाइज कर रहा है, उसको कंडेम कर रहा है या उसका खंडन कर रहा है। लेकिन सच्चाई है कि जो व्यवस्था उत्पन्न हुई, जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई, जो वहां घटनाक्रम घटा, उसके बाद सब कुछ न्यायालय के अधीन है, सब कुछ सब जुडिस है और न्यायालय की का ये मानना है कि जो भी कुछ हो उसको लेकर के सर्वसम्मति बन जाए और कहीं भी कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ना हो। अब एक मूवी को लेकर के जब स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि आपको लगता है कि कानून व्यवस्था जो है वो ताक पर चली जाएगी, गवर्नमेंट जो फ्रिंज एलिमेंट्स की बात बोलना शुरू कर देती है और उनकी कह सकते हैं उन्हीं की धारा में बोलना शुरू करती है, तब तो आपको आपत्ति दर्ज नहीं होती। और एक बड़ा मुद्दा जो आस्था से जुड़ा हुआ है उसको लेकर के एक जिसको मैं कह सकती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा टूल बनाकर अपने रिवाइवल की नींव रखी थी, उस मुद्दे को लेकर के आप शासन में आने के बाद उसे समाधान निकालने के समय यही धर्म संसद के लोग जो भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े समर्थक हैं वो कांग्रेस से प्रश्न करने की जगह क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से प्रश्न करते कि आपका इसमें क्या कहना है। उस समय अरुण जेटली जी और प्रधानमंत्री जी एक ही बात कहेंगे जो योगी जी ने कहा कि न्यायपालिका के अधीन होने के कारण ये सब जुडिस है, हम इसमें कुछ कहने में सक्षम नहीं है। लेकिन जब गुजरात की धरती पर जाकर भाषण देंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने संवैधानिक कर्तव्यों से इतर जाकर बोलते हैं, तब जाकर के वो कह देंगे कि साहब राम मंदिर का निर्माण होगा और 2018 में होगा। लेकिन यदि किसी जिम्मेदार व्यक्ति से और किसी ऐसे मंच से जो सरकार का मंच होगा वहां से आप बात पूछिए तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता न्यायालय के विपरीत जाकर कोई बयान नहीं दे सकता। तो मेरा ये मानना है लोकतांत्रिक देश है, वहां धर्म संसद का आयोजन भी हो सकता है, वहां अपनी भावनाएं भी व्यक्त हो सकती हैं, लेकिन उनको इस प्रकार से लेना कि वही सब कुछ है तो मेरे हिसाब से गलत होगा। क्योंकि तो सुविधा की राजनीति है, जब जयपुर जैसी राजधानी में जो पूरा महत्व के स्मारक के रूप में जाने जाने वाले मंदिर थे जिन पर हाथ लगाने का अधिकार नहीं था सरकार के किसी भी नुमाइंदे को, 100 वर्षों से पुरानी हर चीज हेरिटेज होती है, उसको ना तो आप वहां से उठा सकते हो ना उसको ध्वस्त कर सकते हो। तो उस काम को जब आपने कर लिया और उस समय आपकी आत्मा उद्वेलित नहीं हुई, वही सरकार भारतीय जनता पार्टी की यहाँ पर थी और उन लोगों ने किसी चीज को संज्ञान में लेने का प्रयास ही नहीं किया। तो ये जो दोहरी बातें हैं, ये जो दोहरा चेहरा है वो बेनकाब होना चाहिए। ये कह देना कि साहब अपनी संतानपन करनी होगी जब तक कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होता, उसके बाद ये भी अस्वीकार कर देना कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके लिए कोई ऐसी पॉलिसी तो है नहीं देश में कि सबके ऊपर लागू है, लेकिन उसको रेगुलेट करने के लिए कुछ सरकारी कर्मचारियों पर, कुछ राज्यों ने और कई जगह स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों पर लागू किया। तब भी हमने कहा कि भाई जो परिवर्तन है ऊपर से नीचे करिए ताकि जनता में एक संदेश जाए, नीचे से ऊपर करने से कोई उसका बहुत बड़ा नतीजा नहीं होता। और आज ही आप देखिए कि सरकार के स्तर पर शायद ये फैसला होने वाला है कि जो विशेष योग्यजन बच्चे हैं उनको 2 की काउंटिंग में नहीं रखा है। तब भी हमने कहा कि उनको मानव मानिए, उनकी काउंटिंग को मत ये कहिए कि वो अस्तित्व में ही नहीं है, उनकी उसको मानिए कि वो अस्तित्व में है, उसके बाद अगर आप लागू करते तो हमें कोई परहेज नहीं। तो मेरा कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है, राम आस्था के प्रतीक है हम सभी के लिए और हिंदुवाद का या फिर भगवा का कोई कॉपीराइट भारतीय जनता पार्टी के पास या उनके संगठनों के पास नहीं है, लेकिन उसके आधार पर
पोलराइजेशन की राजनीति करना, देश की एकता अखंडता को चोट पहुंचाना और सबजुडिस मामलों को लेकर के बयान देना, ये मुझे लगता है कि भारत के संविधान का अपमान है, जिसको लेकर के बहुत ज्यादा चिंता जो है वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री भी व्यक्त कर रहे थे, और न्यायपालिका के हस्तक्षेप को लेकर कार्यपालिका पर हावी होने के लिए उनका दंश भी वो बता रहे थे। तो उनको ये महसूस करना चाहिए कि अगर वो सत्ता में आए तो जिम्मेदारी को ग्रहण करें और कैसे इनका निदान निकालें। एक बात मैं जानना चाहूंगा, आपका जो भी सवाल है आप जरूर करिएगा, मैं एक चीज जानना चाहूंगा। आपने कहा कि मिस्टर खन्ना जो उत्तर प्रदेश के मंत्री भी हुआ करते थे कांग्रेस सरकार के अंदर, उन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के सबसे पहले वो सामने आए थे, यह एक बात में हाँ संघर्ष किया उन्होंने। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको कि जयपुर में थोड़ा सा दृश्य बदला है। कांग्रेस का आपने जिक्र किया तो यहां मैं जिक्र करना चाहूंगा कि पिछले दो साल में बड़े दो घटनाक्रम सामने आए हैं, जो पॉलिटिकल एंगल से देखें तो उसमें काफी चर्चाएं रही हैं। एक हिंगोनिया गौशाला का मामला जिसमें गायों की मौत हुई, और दूसरा मंदिर का मामला। ये दोनों मुद्दे कांग्रेस के हाथ में रहे, कांग्रेस के लोग सड़कों पे उतरे, कांग्रेस के लोग राजभवन के लिए मार्च किया, इन्होंने यहां जमकर कई बार धरने प्रदर्शन काफी चीजें की, तो ये संघर्ष एक बार फिर कांग्रेस को सड़क पे आना पड़ा। आपको लगता है कि जो एक्सरसाइज आरएसएस विश्व हिंदू परिषद या अग्रिम संगठन जो भी करते हैं, वो सारी एक्सरसाइज का लाभ बीजेपी को जाता है, बीजेपी ये से धर्म से पूछा नहीं जाता है कि ये सारी चीजें हैं, इनका जवाबदेही किसकी है? मैं योगेन जी, पहले तो अर्चना जी की दो बातें कहूंगा। कांग्रेस की प्रवक्ता के रूप में अर्चना जी बार बार संविधान सर्वोपरि क्यों कह रही हैं? कांग्रेस संविधान की कितनी सम्मान करता है, दो उदाहरण। श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए सारा नियम संशोधन करके संसद को 5 साल की जगह 6 साल किया और त्यागपत्र नहीं दिया, एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को अपने बहुमत के अभिमान में संविधान संशोधन किया गया। संविधान का कितना सम्मान कांग्रेस ने किया है ये देश और जनता अच्छी तरह जानती है। आपने हिंगोनिया गौशाला का जो प्रश्न पूछा है, तो पहली बात तो ये समझ लीजिए, गौशालाएं कोई अकेली बपौती नहीं है किसी बीजेपी वाले की या आरएसएस वाले की, किसी की। जो व्यक्ति गाय की सेवा करता है उसको पूरा अधिकार है। अगर कांग्रेस हिंगोनिया गौशाला के लिए आई है तो निश्चित रूप से स्वागत योग्य, लेकिन उन्होंने गाय की चिंता नहीं करते हुए उसमें राजनीति करने की कोशिश की और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। मैं लंबे समय तक बीकानेर उस क्षेत्र में रहा हूं, वहां कितने कांग्रेस के लोग जो जुड़े हुए हैं वो गौशाला चलाते हैं, बहुत सारे मुसलमान गौशाला। मैं एक चीज जानना चाहूंगा, नहीं है किसी की गौशाला। साहब, अगर कांग्रेस सड़क पे किसी जन आंदोलन के लिए उतरती है तो उसमें राजनीति नजर आती है, और अगर कोई दूसरा करता है तो वो वास्तविक स्थिति होती है, उसे ऐसा करने का अधिकार उसे तो करना ही चाहिए। तय कैसे राजनीति कैसे तय किया जा रहा है? हिंगोनिया गौशाला में जो कुछ हुआ वो न तो देखने लायक था, न सुनने लायक था, न कहने लायक था। वहां जितने भी लोग जुड़े हुए थे ईमानदारी से, वो सब भ्रष्ट बेईमान लोग थे जो वहां पे सब कर रहे थे। किसके शासन में थे, कौन जिम्मेदार था, हम सब जानते हैं। सब आकंट भ्रष्टाचार में पूरा समाज डूबा हुआ है। वो कांग्रेस बीजेपी में अगर बाइपर कट करोगे तो निश्चित रूप से हम समस्या से भाग रहे हैं या मुंह मोड़ रहे हैं। उसमें पूरा आकंट भ्रष्टाचार डूबा हुआ था, और हिंगोनिया गौशाला अभी से नहीं चल रही, बरसों से चल रही है। बीजेपी के पिछले शासनकाल में, बीजेपी के पिछले मेयर के शासनकाल में, अभी के बीजेपी के शासन में लगातार वही व्यवस्था रही है। उस व्यवस्था में जो लोग थे उनको दंडित होना चाहिए था, और उसको राजनीति से बीजेपी और कांग्रेस के देखना चाहिए था। उनको दंडित करके दंडित करने का काम उनका करना चाहिए। मैं आप बताता हूँ, नहीं किया गया मेरे को जितना मालूम है आपको नहीं बता गया। हिंगोनिया गौशाला के बारे में बता दूं भंडारी साहब, मुझे मैं बहुत ही ज्यादा आहत महसूस करती हूँ जब लोग इमरजेंसी को बार बार कोट करते हैं। इसलिए नहीं कि इमरजेंसी एक ऐसा अध्याय था जिसके कारण हम शर्मिंदा हैं या कोई और शर्मिंदा है। आप शर्मिंदा नहीं, बोल दीजिए। एक मिनट बोलिए मेरी बात। एक अंग्रेजी में कहावत है, हाउ लॉन्ग अ डेड माउस विल स्टिंग फ्रॉम योर माउथ, यानी जो मर चुका है ये मुद्दा उसको बार बार सड़ांत को, इसकी अर्थ यही है। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जब लंदन गई थी, उन्होंने बहुत सावगोई के साथ और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पूरे मीडिया को जवाब दिया था कि वो मेरी एक ऐसी नीति थी जिससे मैंने समाज के प्रत्येक वर्ग को अपना दुश्मन बनाया था। उन्होंने इस चीज को स्वीकार कर लिया था, और इसके बारे में हम लोग पूरी तरह से, उन्होंने खुद ने जिन्होंने इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने सब तरीके से भारत की जनता को अवगत करा दिया था, और जनता ने उस चीज को मान करके उन्हें पुनः शासन में स्थापित कर दिया। उसके बाद अगर आप इमरजेंसी का उदाहरण देते हैं तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अघोषित इमरजेंसी लागू कर चुकी है। अब उस अघोषित इमरजेंसी का जो एजेंडा है
उसका सिर्फ इतना ही तात्पर्य है कि सारे अधिकारों का आप संकेंद्रण कर लीजिए और संकेंद्रण करके अपने अधीनस्थ जितने लोग हैं उनके सारे अधिकारों को छीन करके और भारत के जो मौलिक अधिकार है जनता के उन पर अपना एक तरह से वर्चस्व स्थापित करिए। आप लोगों का जो चेहरा था वो तो निष्ठा के अधिकार को जब मौलिक अधिकार की प्रक्रिया में शामिल करने की कवायद के दौरान महसूस किया देश की जनता ने, और फिर रंग बदलने वाली भारतीय जनता पार्टी के जो अटॉर्नी जनरल थे उन्होंने फटाफट रंग बदला और देश समझ चुका था कि ये हर तरीके से मौलिक अधिकारों का हनन करना चाहते हैं। मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, वर्तमान में जीने की कोशिश करिए। ये देश बहुत तरक्की के रास्ते पर जा रहा है, उसको पीछे की या कह सकते हैं अतीत के गड़े मुर्दे उखाड़ करके और पछाड़ने का जो प्रयास है वो सचमुच में लोकतंत्र को धक्का बताने वाला है। और जब ऐसे उद्गार पदों पर बैठे हुए लोग जिनको शासन की सत्ता सौंपी है उनके द्वारा व्यक्त होते हैं तब महसूस होता है कि देश को आगे बढ़ाने की नहीं स्वयं के हितों को साधने के लिए। चलिए भंडारी साहब, मैं आपके पास में आ रहा हूँ एक बार फिर। नहीं, मैं एक बात, हाँ बताइए, आप पहले अपनी बात बताइए। बहुत सारी बात कर रहे थे, बहुत लंबा मत करिए क्योंकि मुद्दा मंदिर का है, क्योंकि मैं दो मिनट एक मिनट में बात खत्म कर रहा हूँ। भाई साहब कह रहे थे सजा मिलनी चाहिए, उस मुकदमे को मैं लड़ रहा हूँ 2010 से, मैंने याचिका लगाई थी। आपके लोगों ने, भाजपा के लोगों ने उन अधिकारियों को एक निवेदन मैं करना चाहूंगा, ये बीजेपी के स्पोर्ट्स पर्सन नहीं है ना, बीजेपी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं, उनको सेम मिलनी चाहिए। पूरी थी ना योगेंद्र जी, मुझे मैं कहती ना तो ये लोग प्रवृत्ति नहीं किसी का नाम लेने की, लेकिन जो हिंगोनिया गौशाला कभी नहीं पहुंचे लोग मुख्य धुरी थी वो आरएसएस के संघ की शाखा में जाने वाले कार्यकर्ता मुंडे ही थे, और उस समय मैं भी नगर निगम में थी। लेकिन किसी भी भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड की जो हमेशा यहाँ पर बहुमत में रहा उसने कवायद नहीं चलाई ना हिम्मत जुटाई कि उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई हो। ये तो न्यायपालिका के माध्यम से व्यक्ति कटघरे में खड़ा हुआ, इससे ये कहना कि राजनीति का मुद्दा नहीं। राजनीति का मुद्दा इसलिए कि वो लोग जो किसी विचारधारा विशेष के प्रति आस्था रखते हैं उन्हें संरक्षण प्राप्त होता है, भले ही फिर वो गौ माता के नाम पर लोग गौ माता की हत्या के जिम्मेदार लोगों को भी संरक्षण देते हैं। चले, लेकिन उन्होंने तो खारिज किया है कि जो भी व्यक्ति है कोई भी जो भ्रष्ट तो कौन देगा, कौन विरोध करते हैं, फिर ये विरोध करना चाहिए इनको। 2010 के अंदर मैंने लगाई, जब वहां मैं देखा था 50-60 गायें मर रही थी, मैंने हाईकोर्ट लगाई, हाईकोर्ट की मॉनिटरिंग कराई, हमने सब ठीक कराया, एफआईआर लॉ रजिस्टर के अंदर इसी में चालान फाइल करना है, लेकिन प्रोसेसिंग सैंक्शन नहीं दी भाजपा के लोगों ने, और वो घूम रहे हैं आराम से। ये तो अपराधी को बचा कौन रहा है? आप विरोध करो ना, जिससे आप मंदिर की बात करो, आप यही बात करो। मैं एक छोटा सा मेरा सवाल है, क्योंकि समय हमारे पास में 2 मिनट है, मैं एक आप लोगों से सबसे एक एक सवाल करना चाहूंगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि एक तरफ अभी जैसे उपाध्याय साहब ने भी कहा कि देखिए एक साल का वक्त लेके हम चल रहे हैं, एक साल में हमें उम्मीद है कि मामले का निपटारा हो जाएगा। मामले का निपटारा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को आप डिसीजन क्या होगा उसके लिए आप बाध्य नहीं कर सकते, ना आप अपनी दलील दे सकते हैं, लेकिन आप बाध्य नहीं कर सकते, वहां आपको वक्त मिलेगा। ये जो डेट मुकर्रर की गई है इससे तय है कि वहां हमारा जो एक इंटेंशन है वो साफ है कि वहां काम हमें शुरू करना है, चाहे एक साल का समय, या फिर ये माना जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट यही आने वाला है। दो बातें इसमें हो सकती हैं। हम बिना किसी राजनीतिक कारण से एक विधिक राय के माध्यम से मैं जानना चाहूंगा इसमें कि अगर एक साल तक नहीं होता है इसका निपटारा या फैसला, क्योंकि वर्षों से लंबित है मामला, तो ऐसी पोजिशन में क्या होगा? देखिए मैं आपको यही बात कह रहा था, क्या ये अधिकार मिल पाएगा कि कोई भी लोग वहां पे काम कर सके? इस देश के अंदर कानून लागू है और कोई शुरू नहीं करता मंदिर को। सुप्रीम कोर्ट ही बार बार क्यों कह रहा है दोनों पक्ष मिलकर कर लो, वो जानता है कि जब वो फैसला देंगे किसी की एक ही पक्ष फैसला देना पड़ेगा, दूसरे पक्ष नाराज होगा, इससे बिगड़ सकती है, इसे वो चाहते थे कि दोनों मिलकर तय करते हैं। लेकिन अब इन्होंने कह दिया 18 नवंबर तक करते हैं, या तो भी सुप्रीम कोर्ट की बातचीत होगी, कौन सी बेंच बनेगी, कौन सुनवाई करेगी, सलाह करेगी और वो तय कर देगी, तो बात अलग ही है। अदरवाइज ये बात कहना मैं कह रहा हूँ न्यायालय की गरिमा को ठेस पहुंचाना है, प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना है, लोगों के दिमाग में पहुंच जाएगी कानून कुछ नहीं है, जो चाहेंगे हम चाहेंगे ये। अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ फैसला कर दे तो मैं सुरेश जी जान चाहता हूँ तब कैसे मंदिर में आओगे, फिर आप बता दें मुझे। इसलिए मैं कह रहा हूँ चलिए अर्चना जी, इसलिए कह रहा हूँ मैं छोटा सा, इसके फैसले के बाद में इसी को अपील होती है, इसके ये फाइनल फैसला होगा, इसके बाद में कोई कोर्ट नहीं जहाँ आप जा सकते हो, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं जान जाता हूँ। अगर खिलाफ होगा तो क्या करेंगे आप, ये कह रहे हैं जी? पहली बात तो काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर आपके पास जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, मैं 30 सेकंड में जानना चाहूंगा कि डेट, एक तरफ डेट मुकर्रर दोनों तरफ की है, राम मंदिर के निर्माण की भी डेट अनाउंस कर दी गई है धर्म संसद में, दूसरी तरफ रेगुलर हेयरिंग की भी, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? देखिए मेरा ये मानना है कि जो डेट अनाउंस करने वाले हैं वो किसी अथॉरिटी के साथ नहीं है इस देश में, वो सिर्फ अपनी भावना की अभिव्यक्ति कर रहे हैं एक मंच के माध्यम से, लेकिन जुडिशरी से ऊपर देश में कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान का कस्टोडियन ही जुडिशरी है।
तो ऐसे में न्यायपालिका के ऊपर विश्वास रखना चाहिए, उसके निर्णय को स्वीकार करना चाहिए, इस प्रक्रिया के साथ अपनी सहमति व्यक्त करनी चाहिए, यही सबसे बड़ा हमारा। चलिए मेरा आखिरी सवाल आपसे दो उपाध्याय साहब, मैं इतना सा जानना चाहूंगा कि ये जो बयान है क्या न्यायिक प्रक्रिया पे भरोसा नहीं है, या तो ये नहीं, या फिर ये या ये माना जाए नहीं, डेट आपको क्या लगता है कि डेट अगर तय कर दी तो क्या होगा? सर भंडारी साहब समय नहीं है इतना, एक बार मुझे इनसे जवाब ले लेनी चाहिए। जब डेट अनाउंस दोनों तरफ 5 तारीख से हियरिंग की डेट, और सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बात के प्रयास कर रहा है कि सहमति बने, एक पक्ष अगर डेट मुकर्रर कर देता है कि हम इतनी तारीख से काम शुरू कर देंगे वहां पे, तो दूसरा पक्ष सहमति कैसे दे सकता है, क्योंकि डिसीजन तो आप लोग पहले कर चुके हैं। संसद में जो कुछ भी वहां निर्णय हुआ, वरिष्ठ अधिकारी वहां है, उनके संपर्क में हूं, उनसे बात हुई है, 18 नवंबर के पीछे डेट रखने का यही भाव है कि दोनों पक्ष मिलकर के या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस निर्णय का फैसला होना चाहिए, और यह 770 का वहां मंदिर बनेगा, इसलिए का मंदिर बनेगा, कोई नहीं कह सकता कि वहां मस्जिद बनेगी। अब उसमें असम्मान तो सुप्रीम कोर्ट का है, अगर निर्माण नहीं होता है तो धर्म संसद के साधु संत फिर बैठ के तय करेंगे, वो निर्णय करेंगे, मैं अकेला बैठ के कोई उत्तर देने। एक बार के लिए कह सकते हैं कि काल्पनिक डेट कह सकते हैं, ये हमारी पूरे हिंदू समाज की तरफ से साधु संतों की अपील है, हिंदू मुस्लिम समाज से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी, कि 18 नवंबर तक इसका फैसला करिए, अगर उसके बाद नहीं होता है तो धर्म संसद के फिर लोग तय करेंगे। चलिए मैं माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, तो चलिए सबसे बड़ी बस बात यही थी कि प्रतिपक्ष गैर भाजपाई, उनका साफ कहना है कि जैसे चुनाव नजदीक आते हैं तो इस तरह के मामले कभी धर्म संसद के माध्यम से, कभी किसी राज्य मंत्री के माध्यम से, कभी किसी माध्यम से कहलवाए जाते हैं, और इसका एक राजनीतिक लाभ गेन करने की बात कही जाती है। लेकिन दूसरी तरफ सुरेश जी, क्योंकि धर्म संसद में इन्हीं के संगठन से लोग जुड़े हुए हैं, उनका साफ कहना है कि हम एक डेट लेकर के चल रहे हैं, हो सकता है कि इस दरमियान फैसला आ जाए, नहीं होगा तो हम आगे बैठ सकते हैं। तो इसे उसी दृष्टि से देखा जाना चाहिए कि एक डेट विश्व हिंदू परिषद के जरिए या धर्म संसद में आई है, वो अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आता है तो जैसा कि सुरेश जी कह रहे हैं कि डेट आगे बढ़ सकती है, या फिर कहा जा सकता है कि इस पे वापस से धर्म संसद बैठेगी। चलिए माफी चाहेंगे, हम बीजेपी का जवाब जरूर लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कोई प्रतिनिधि जिनका ये कुर्सी पूरे एक घंटे तक इंतजार करती रही, कोई नहीं पहुंच पाया, उसका मुझे लगता है कि बीजेपी का अपना कोई कारण रहा होगा, लेकिन हमें जो बताया गया है कि इस मुद्दे पर बोलने से बचना चाह रहे हैं उनके अपने नेता। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, और खास खबर में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।